नमस्कार, केटीएन न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं आमिर। बिहार के कटिहार में मोटापा से जाना जाता है रफीक अदनान। दो विवाह के बाद भी रफीक को नहीं हो रहा है संतान। हांडी भर करता है भोजन, दावत समारोह में व्यंजनों का छुराता है छक्के। दो बीवियों के चूल्हे चौके पर लाता है आफत। 30 वर्ष से रफीक भोजन खाने के मामले में है चर्चित। मनसाही प्रखंड क्षेत्र के जयनगर गांव का रफीक मोटापा से मांग रहा है लिफ्ट। सदर अस्पताल के चिकित्सक ने कहा, शख्स को चिकित्सीय जांच, सलाह और इलाज की सख्त है जरूरत। जानलेवा हो सकता है मोटापा। रफीक अदनान से पहचाने जाने वाला शख्स मोहम्मद रफीक ने कहा, बचपन से ऐसा हूं, अब बाइक बुलेट हमारी वजन को खींच नहीं पाता। 2 शादियां किया, बबच्चे नहीं हुए। 3 किलो चावल, 3 किलो आटा की रोटियां, मीट मछली भी कई किलो खा जाता हूं। 3 टाइम में 3 किलो दूध पीता हूं। मनसाई प्रखंड का यह शख्स मोटापे की वजह से संतान के लिए परेशान है। 2 बीवियों के बाद भी उसके पिता बनने की सपने अधूरे रह गए हैं। यह अपने शरीर और अत्यधिक भोजन की वजह से कटिहार के मनसाई प्रखंड क्षेत्र में चर्चित अदनान शामी से की जाने लगी है। 30 वर्ष से मोहम्मद रफीक का वजन हैरत अंगेज तरीके से 200 किलो से भी अधिक तक वजन पहुंच चुका है। बचपन से बुलेट पे चढ़ दम छोड़ देता है वजन के कारण से। कितना वजन है? 2 क्विंटल। कैसे जीवन यापन करता है? अभी दिक्कत होता है, थोड़ा दिक्कत अभी हो रहा है। जवानी में दिक्कत ऐसे नहीं हो रहा था, अभी हो रहा है। कितना उम्र हो गया? 30 पार कर गया। शादी हुई, बच्चे नहीं? नहीं, बताइए। शादी हुआ, बच्चे नहीं हुआ। अभी वजन के वजह से? जी, बताइए। वजन के वजह से क्या नहीं हुआ? बच्चे नहीं कट रही। 2 क्विंटल के वजन के कारण चल नहीं पाते हैं, थक जाते हैं थोड़ा सा। गाड़ी भी दम, गाड़ी भी बुलेट भी दम छोड़ दे रहा है। शादी किए, बच्चे नहीं? नहीं, बताइए। शादी किए तो बच्चे नहीं हुए, वजन के कारण से। खाते पीते क्या है साहब? रोटी चावल मीट मछली, दम भर खाने में पूरे दम भर जाते हैं जी। पानी कितना पीते हैं? 2 लोटा। दूध? दूध 1 किलो। तीन किलो चावल का भात खा जाते हैं, 3 किलो 4 किलो आटा खा लेते हैं, रोटी मीट 2 किलो, मछली 1.5 किलो। दूध कितना पीते हैं? 3 टाइम में 3 किलो। अब क्या परेशानी आ रही है? अभी वो चलने में परेशानी आ रहा है। कितना वेट है आपका? 2 क्विंटल। बच्चे नहीं हो रहे? नहीं। क्यों नहीं हो रहे? वेट के कारण से। डॉक्टर का था इलाज करो, आराम हो जाएगा। कहाँ होता है? कितना उम्र हो रहा है अभी आपका? 30 साल। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद रफीक। कौन सा गांव में रहते हैं? जयनगर। कौन सा प्रखंड है? मनसाही। खुशी है ये जो है सो, पहले जमाना में कुछ हल्का था, अभी जो है सो पूरा भारी हो गया है। और इसका जो है सो, पहले कुछ तरह से पहले चल रहा था पैदल से, अभी जो है सो बुलेट में चल रहा है। वो भी बुलेट भी कहीं कहीं लथक जाता है, पीछे जो है सो कोई किसी को फंस जाता है तो आदमी भी बोलता है थोड़ा धकल दो बाबू। इस तरह से इसको हम लोग लेकर आते हैं। खाना कितना कैसा खाता है? खाना का विषय में एक हड़िया भात जो है सर, थोड़ा सा उसको बीवी को मिलता है ना तो पूरा खा लेता है। चावल जो है सो ऐसा करके तो एक बोरा चावल बोलता है 3 दिन से 4 दिन से हम खत्म कर देते हैं। और रोटी के विषय में आप क्या बोलेंगे, ज़्यादा तो नहीं खाता है लेकिन ज़्यादा चावल खाता है। हाँ, ठीक है।
रोटी ये कहते हैं कि दूध और मटन चिकन कितना खाता है ये? सर उसका बारे में उन्हें बोलिए, दो चार दिन में जहाँ जहाँ मिल जाता है कहीं शादी ब्याह में तो पूरा हड़िया खा कर खत्म कर देता है। ऐसा तो डेली नहीं मिलता इसको कहीं और उस पुरुष में शादी। बिहार में एक इंसान 200 क्विंटल उसका वजन हो गया अत्यधिक भोजन के कारण, वो बहुत ज़्यादा भोजन करता है जिसके कारण उसका वजन बढ़ता जा रहा है, क्या रीजन है और क्या बीमारी है? देखिए एक बीमारी होती है जिसको हम लोग बुलेमिया नर्वोसा बोलते हैं। इस बीमारी में मरीज अत्यधिक भोजन करता है जिसकी वजह से उसका वजन भी बहुत ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले तो ये चीज़ देखना पड़ेगा कि किस इस तरह की कोई बीमारी तो उसको नहीं है। दूसरा उस इंसान का हार्मोनल टेस्ट होना चाहिए जिससे ये समझ में आए कि हाँ हार्मोनल कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बच्चे भी 30 साल की उम्र है और बच्चे नहीं हो रहे हैं, इसके कारण जो है ये वेट के कारण भी परेशान, काफ़ी परेशान है। देखिए उस इंसान को वजन बहुत ज़्यादा है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो ये एक तरीके से दिखा रहा है कि उनको हार्मोनल कोई बीमारी होने का चांसेस बहुत अधिक है। तो उस तरीके से इसको जब तक जांच नहीं होगी इस पर कह पाना ज़रा मुश्किल है, ये चीज़ जाँच का विषय है।